Let us look at the current situation of uh, governance and management in education in the year 2016. Now, let's see if we look at the decision support systems. We see that there is an absence of a culture of data use combined with limitations of the data collected in terms of coverage and quality, have entrenched a culture of decision making with minimum use of data. कि एक कल्चर जो है वो एबसेंट है मौजूद नहीं है एक ऐसा कल्चर काम करने में जिसमें हम डेटा पे डिप डिपेंड कर रहे हों जिसमें जो हकैक हैं स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमारे सामने हों और उन स्टेटिस्टिक्स को सामने रखते हुए हम डिसीजन मेकिंग करें सो हम ये देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है जो फैसले किए जाते हैं वो बड़े नामुनासिब इसलिए हो जाते हैं कि उसके साथ हमारे पास कोई स्टेटिस्टिकल एविडेंस मौजूद नहीं है जो सपोर्ट करे उन डिसीजन को अब देखते हैं कि असल वजूहत क्या है द लो डिमांड फॉर डेटा मीन्स दैट इवन फॉर इंटरेस्टेड पर्सन डेटा अवेलेबिलिटी ऑन एजुकेशन इज वेरी लिमिटेड कि जो लो डिमांड है डेटा की वो हमें ये बताती है कि इंटरेस्टेड लोग जो हैं उनके लिए भी जो डेटा की अवेलेबिलिटी है वो बहुत लो है बहुत लिमिटेड है सूबे घर के अंदर और बहुत सारे जो डिसीजनस हैं जो प्लानिंग के हैं वो सिर्फ इनपुट के ऊपर फोकस कर रहे हैं आउटपुट को नहीं देख रहे कि आउटपुट क्या होगी इससे रिजल्ट क्या हुए हैं और क्या सामने आएगा आउटपुट एंड आउटकम्स बेस्ड मॉनिटरिंग एंड वेलुएशन प्रोसेस एंड रिजल्टेंट पॉलिसी डिवेलपमेंट एंड प्लानिंग डज नॉट एग्जिस्ट यानी हम ये यहाँ ये बात जो है वो कह रहे हैं कि जो बिल्कुल आउटपुट और आउटकम बेस्ड जो मॉनिटरिंग एंड वेल्युएशन और ऐसे प्रोसेस हैं जो कि पॉलिसी डेवलपमेंट और प्लानिंग में होने चाहिए ये सिरे से ही एग्जिस्ट नहीं करते और फिर ये क्या करता है कि दिस आल्सो रिड्यूसेस द डिमांड फॉर क्रिटिकल आउटपुट एंड आउटकम लेवल डेटा यानी इसी के साथ रिड्यूस हो जाती है जो डिमांड भी होती है क्रिटिकल आउटपुट और आउटकम्स की डेटा लेवल के ऊपर यानी हमें ये पता नहीं चल पाता कि जो डेटा है वो क्या है और सामने हकाई क्या आए हैं किस तरह से हमने इनपुट किया और उसकी आउटपुट क्या हुई जो के सामने आई और फिर ये कहते हैं कि द लेटर आर नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर information कलेक्टेड by the फेडरल government's पाकिस्तान सोशल लिविंग एंड मेजरमेंट सर्वे ओवर the लास्ट टेन years. यानी कि सिर्फ जो है वो हम देखते हैं कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान सोशल लिविंग एंड मेजरमेंट सर्वे है उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी वो इकट्ठी की गई पिछले दस सालों में और हेयर ऑल्सो मोर क्रिटिकल डेटा लाइक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड एजुकेशनल आउटकम्स इज नॉट कलेक्टेड तो स्टूडेंट्स की लर्निंग और उनके जो आउटकम्स हैं इस पे डेटा तो सिरे से ही जो है वो कलेक्ट नहीं किया गया और फिर 2000 2007 और 8 के अंदर हम ये देखते हैं कि सिर्फ जो डेटा है वो एजुकेशन और पॉवर्टी यानी गुरबत और तालीम के ऊपर जो है उसे कलेक्ट किया गया सो वी सी अ वेरी लिटल एफर्ट टूवर्ड्स डेटा कलेक्शन और इसके साथ इसकी सप्लाई एंड डिमांड भी मुतासर हो रही है और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग भी हम जो है वो स्टेटिस्टिक्स और डेटा के बगैर ही जो है वो कर रहे हैं सूबे भर में प्रोविंशियल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो डेटा फॉर दिस सेक्टर प्रोविंशियल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं ये इनका काम है कि वो डिटेल डेटा जो है उसको प्रोवाइड करें और फिर एक जो है बड़ी अजीब बात वो ये है कि बलुचिस्तान का सबसे पुराना एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी ईएमआईएस है जो कि मुल्क में बहुत अरसे से वहां मौजूद है लेकिन 20 सालों की इस एग्जिस्टेंस के बाद भी ये सफर कर रहा है सीरियस सप्लाई एंड डिमांड साइड गैप्स के यानी सप्लाई भी नहीं है और दूसरी तरफ डिमांड भी नहीं है तो बिल्कुल हम ये देखते हैं कि बेकार पड़े हुए हैं ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अब पहली बात द कल्चर ऑफ लो यूज ऑफ डेटा मार्जिलाइज द इम्पोटेंस ऑफ बी ई एम आई एस यानी एक जो कल्चर है कि डेटा को इस्तेमाल ही नहीं करना उसकी वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है और दूसरी बात ये कि जो क्वालिटी ऑफ डेटा है जो प्रोवाइडेड है वो भी क्वेश्चन किया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स ने यानी जो डेटा प्रोवाइड भी कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है या नहीं यानी उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है और फिर एक बड़ी बात जो एहत की है जिसके जरिए जो इसको शफाफ बनाया जा सकता है इस अमल को वो मौजूद नहीं है यानी नो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वैलिडेशन एवर बिन कंडेड कोई तीसरे फरीक के जरिए इसकी जो वैलिडेशन है ये देखना कि यह दुरुस्त भी है ये आज तक हमने कंडक्ट नहीं करवाया